तो गाइस स्मैकडाउन की ओपनिंग में अपने कोडी रोड्स और लिक्विड काइजर का मैच देखने को मिला। मैच तो काफ़ी स्ट्रेच किया गया, लेकिन मैच के एंडिंग में पॉल हेमन एक दमदार प्रोमो कट करते हुए कहते हैं कि तुम्हें रसल में ऐसे भिड़ने से पहले स्नैक रॉक के एपिसोड में सोलो सिकोवा को भिड़ना पड़ेगा। इस तरह से कुछ दमदार हमें पॉल हेमन को मैच सेटअप करते हुए नजर आए अपने कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोवा नेक्स्ट वीक के लिए स्मैकडाउन रॉक के जो कोमेडिशनों का रसल मैंने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एपिसोड होगा रॉक का, क्योंकि उस दिन वही मरीज भी शायद शो के ऊपर होने वाला है, रॉक के ऊपर वही कोडी रोड भी होंगे, सोलो सिकोवा के मार खाते होंगे। तो फाइनली हमें कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिली अपने गंतर शेमस और ड्रो मैकइंटायर के। कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग कम और ब्रॉल करने का ज़्यादा तरीका था। अपने ड्रो मैकइंटायर आता है, शेमस आते हैं अपनी टीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन, वो भी लगाते, फिर गंतर आते हुए कहते हैं एडम पियर्स को भिड़ते हैं, तुमने मैंने कहा था मुझे सिंगल सुपरस्टार चाहिए कि ये दोनों ये खुद ही सबमिट हो जाएंगे और फिर मैं अपनी चैंपियनशिप ऐसे ही खो दूंगा, ऐसा कुछ अपने कोडी का मिलते हैं अपने गंतर का रिएक्शन होता है। उसके बाद मैच सेटअप होता है और मैच भी अच्छा खासा था, बुच और गंतर का मैच। मैं अपने गंतर से ड्रो मैकइंटायर के पराठे करते हैं, लेकिन ड्रो मैकइंटायर एंडिंग में क्ले मुर्गे हिट करते हैं और ये फेस टू फेस कंपटीशन के साथ ये हमें देखने को मिलता है इन सब की। तो फाइनली रे मिस्टीरियो वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो, यानी कि बाप वर्सेस बेटा, ये मैच रेसलमैनिया सेटल है कि ऑफिशियल हो चुका है। रे मिस्टीरियो ने एक ही वजह कर रखती और कहते हैं तुम्हें रेसलमैनिया मैच चाहिए, ठीक है तुम्हें मैच मिलेगा, और यही कहते हुए अपने डोमिनिक अपने दुम भागकर सीधा वहाँ से निकल पड़ते हैं बैक स्टेज के ऊपर। वही रे मिस्टीरियो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, काफ़ी टेंस होता है, क्योंकि उनको मैच करना था रेसलमैनिया में और जिस तरह से उन्हें हेडशॉट मारा था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। एंगल क्रिएट कर दिया अपने डोमिनिक मिस्टीरियो रे मिस्टीरियो इस मैच के लिए, मैच सेटअप हो चुका है रेसलमैनिया के लिए। और गाइस मेन इवेंट पे अपना KO शो होता है, यानी केविन ओवेंस का अपने शो देखने को मिला। वहाँ पर सैम एजन गेस्ट आते हैं, वो अपनी टी शर्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, हक करते हैं, फिर उसको आता है उनका काम तब हम करते हैं, पीछे से अटैक करते हैं, पूरा तोड़ देते हैं केविन ओवेंस और सैम एजन को, पूरी आवरिंग को उनका जो KO शो था वो पूरी तरह से चकनाचूर करते हैं, तबाह करते हैं। ऐसा कुछ हमें क्लिक फैंगर एंगल देखने को मिला उस दौर केविन ओवेंस शो के बीच। हमें नेक्स्ट रॉक के ऊपर और स्मैकडाउन के ऊपर भी इनकी स्टील स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी, क्या इनकी ब्रॉल होती है। ऑफकोर्स ब्रॉल तो होनी चाहिए, तभी तो मज़ा आएगा शो रेसलमैनिया का।